हेलो गाइस, अब देखो अभी जस्ट मेरे पास एक रिपोर्ट आया है TTML पे। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, बट चार्ट पे देख लेते। ये पेनी स्टॉक था। पेनी स्टॉक बहुत ऊपर 280 तक जाके आया, अभी 77 रुपीज़ पे है। इसमें कुछ एक्सपर्ट्स ने टारगेट दिए, वो हम देखते। तो इनका कहना है कि अभी मैं रिपोर्ट पढ़ूंगा, टाटा ग्रुप की कोई भी कंपनी हो उसमें निवेश की हमेशा संख्या ज़्यादा रहती है, और टाटा ग्रुप आज के समय में बहुत पॉपुलर ग्रुप है। टाटा ग्रुप की इस कंपनी इस कई सारी कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, और इनमें से एक कंपनी है TTML। ओके, तो इनका टारगेट देखो, 2023, 24, 25, 26 और 2030 का टारगेट इन्होंने दिया है, वो हम देख लेते हैं। अब TTML कंपनी भारत की एक प्राइवेट कंपनी है, और इस कंपनी की स्थापना 2000 में हुई थी। यह कंपनी टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी एक कंपनी है, और इसका भी कंपनी के पास जापान की कंपनी एनटीटी डोकोमो की 26% हिस्सेदारी है। ठीक है, तो 2022 के बाद कंपनी का शेयर प्राइस 100 के नीचे पहुंचा, और 2030 में TTML की कीमत क्या होगी वो हम देखेंगे। तो 2023 में, ये यार बहुत टाइम पास किया, हाँ 2023 में TTML शेयर की प्राइस 80 से लेके 85 के बीच में रहेगी। ठीक है, 80 से 85। तो एक बार हम ये जोन मार्क कर लेते हैं, एज पर धिस रिपोर्ट 80 से 85, मतलब यही जोन के अंदर प्राइस रहेगी। ये प्राइस होगी, ये जोन के अंदर ही प्राइस रहेगी। अब हम इसको एक बार मार्क कर लेते हैं, 2023 में प्राइस इसके बीच में ही रहने वाली। ठीक है, अब देखते हैं आगे इनका क्या कहना है। 2024 में TTL कंपनी का शेयर प्राइस टारगेट 90 से 105, 90 से 105, 92105, 92105, ये जोन में रहेगा प्राइस। ठीक है, ये प्राइस इनका रहेगा 2024 में। अब आगे देख लेते इनका क्या कहना है। 2025 में TTL कंपनी टेलीकॉम सेक्टर में दूरभाषा, इंटरनेट और टेलीविजन से संबंधित सर्विस देती है, और आने वाले समय में कंपनी रिलायंस कंपनी को टक्कर देने के लिए टेलीकॉम सेक्टर में कुछ नया कर सकती है। इस कंपनी को कोई नया प्रोजेक्ट मिलता है तो TTML कंपनी का शेयर प्राइस वापस से रॉकेट के स्पीड में आ सकता है। तो 2000, मतलब जैसे ये 2021 में इसका प्राइस बढ़ गया, वैसा अगर इसको कोई ऑर्डर मिलती तो आ सकता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, टाटा ग्रुप की कई सारी कंपनियों में गवर्नमेंट के द्वारा बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। टाटा को गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हमेशा मिलते रहते हैं, गवर्नमेंट के को टाटा हमेशा डोनेट करते हैं, तो इनको प्रोजेक्ट मिलते रहते। तो क्या पता कब कोई प्रोजेक्ट मिल जाए और ये शेयर बहुत तगड़ा भाग जाए। तो इसी हिसाब से इनका जो बिजनेस जो मैनेज करते हैं, वो उनका कहना है 2025 में TTML कंपनी का शेयर प्राइस टारगेट 155 से लेके 185 के ऊपर रहेगा। 155 से लेके 185, 155 से लेके 185, तो ये है 185, और ये जोन में प्राइस रहेगा। कब? तो 2025 की बात कर रही है, यहां से 2 साल बाद की बात कर रही है, 2025 की। तो ये जोन में ये प्राइस रह सकती है, और 2026 तक रिटेल कंपनी अपने कर्ज को पूरी तरह तरीके से चुका देगी, जिसके बाद यह कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। टाटा ग्रुप जानता है कि आने वाले समय में टेलीकॉम सेक्टर में एक नई तेजी देखने को मिल सकती है, इसलिए टाटा ग्रुप के द्वारा टेलीकॉम कंपनी के बिजनेस में एकाधिकार करने के लिए कई सारी योजनाएं बनाई जा रही है। और आने वाले समय में अगर TTML कंपनी अपनी हिस्सेदारी को सेल करती है तो कंपनी मार्केट में इकट्ठा पैसा कर सकती है। कंपनी के प्रमोटर की हिस्सेदारी 2023 के अनुसार 74% है। तो 2026 में,
2026 में इनका प्राइस टारगेट 225 से 305, तो अब ये टारगेट बहुत बड़ा हो गया। ये जोन में टारगेट दिया है कब, 2026 में। ये जोन का टारगेट दिया इन्होंने, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए टीटीएमएल कंपनी का शेयर एक अच्छा शेयर साबित हो सकता है, टीटीएमएल कंपनी 2030 तक अपने फाइनेंशियल आंकड़ों में काफी सुधार कर लेगी और कंपनी का प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। 2022 और 23 में टीटीएल कंपनी के शेयर में इसलिए गिरावट आई क्योंकि कंपनी को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन 2030 के समय के अनुसार देखें तो टीटीएमएल कंपनी के बिजनेस में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। और उस कंडीशन में टाटा ग्रुप जानता है कि आने वाले समय में टीटीएमएल कंपनी के बिजनेस को किसी तरीके से चलाना है और कंपनी में जल्द से जल्द सुधार कैसे किया जा सके। टीटीएमएल कंपनी की सबसे बड़ी खास बात है कि इसके पास जापानी कंपनी के 26% की हिस्सेदारी, और यह कंपनी हिस्सेदारी बेचकर मार्केट से एक बड़ा पैसा उठा सकती है। 2030 में टीटेल कंपनी का शेयर प्राइस टारगेट 460 से 590 के ऊपर रहेगा, तो 460 से 590, तो कहीं ये जोन में रहेगा प्राइस 2030 में। 2030 में प्राइस टारगेट दिया है ये। तो अब देखो, ठीक है, इनका रिपोर्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम देखेंगे ये इनके प्राइस टारगेट है। तो जैसे देखा 2023 में यही, 2024 में, हाँ 2025 में ये जाएगा ऊपर के आसपास, पर 2026 का भी मैं टारगेट देखूँ तो यहाँ से पकड़ लो 3 साल, 3 साल में अगर 77 रुपीज़ वाला शेयर 250 जाता है तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी बात होगी। और ये जोन अगर निकाल देता है टीटीएमएल का शेयर, तो ये टारगेट अचीव करने के लिए इसको आगे 4 साल नहीं लगेंगे, ये एक ही साल में अचीव होगा। ये जो टारगेट है 250 से लेके 500 तक का टारगेट अचीव करने के लिए कंपनी को हार्डली हार्डली 1 साल लगेगा, इतना समय भी नहीं लगेगा। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं टाटा का नाम लगा है और कंपनी 15,000 करोड़ की छोटी कंपनी नहीं है, तो हो सकता है ये ऊपर चली जाए और आगे जाके हमें इनके प्रॉफिट में ग्रोथ देखने मिले। और ये जो जापान की कंपनी है, इसमें जो हिस्सेदारी लेके रखी इन्होंने, ये हम बोल नहीं सकते क्या होगा आगे जाके, पर इसके टारगेट बहुत बड़े आ रहे, तो इस पे नजर रखनी है। टाटा ग्रुप की ये कंपनी आपको आने वाले टाइम में अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है। फिलहाल चार्ट में जो पैटर्न बनते जा रहे हो, डाउनलोड स्लोपिंग चैनल में ये ब्रेकआउट करके भी ऊपर जा सकता है, तो इसमें आप बने रहिए और लॉन्ग टर्म के लिए से होल्ड भी कर सकते हो। ये एक ट्रेंड लाइन सिर्फ फॉलो करनी है आपको, ठीक है। बड़े चार्ट पे दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ तो हमने प्राइस टारगेट है ये सब। ये रहा आपका चैनल, ठीक है, इसके बीच इसको इसके लाइन के जब जैसे चल रहा है, इसमें हमें तेजी देखने मिलेगी और ऊपर के लेवल भी और देखने मिल सकते हैं, तो इसे होल्ड रखिए 590 के टारगेट के लिए, 590 का टारगेट 2030 तक।